तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो जो भी अभी करंट रेट है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आइडियल लुक्स। कैसे हो, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दुबई में गोल्ड का क्या कुछ प्राइस है। तो अभी फिलहाल मैं दुबई में आया था, आप सबको पता ही होगा। और अभी मैं सबसे फेमस जो कि दुबई की मार्केट है बर दुबई में जा रहा हूँ, और वहां जाके आपको गोल्ड प्राइस दिखाऊंगा। और जो भी मैं गोल्ड का कुछ भी खरीदूंगा तो वो सारी चीजें आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको गोल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना, आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी। तो मिलते हैं आपको सीधा गोल्ड शॉप पे। अभी फिलहाल मैं रूम पे था और अभी जा रहे हैं हम अलरिका मेट्रो स्टेशन से सीधा सरफ डीजी और सरफ डीजी से बर दुबई। तो लेट्स गो। तो भाई पहुंच चुके अपन मीना बाजार। तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो जो भी अभी करंट रेट है ये गोल्ड का अभी चल रहा है। तो भाई यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, बाकी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना रिलेटेड टू गोल्ड रेट, क्या कुछ प्राइस में मिला है और किस टाइम सस्ता मिलता है, किस टाइम बढ़िया रेट में मिलता है, तो मैं आपको घर जाकर रूम में अच्छे से सारी डिटेल बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे अभी थोड़ी भीड़। तो भाई पहुंच चुके हैं अपन अपने होटल रूम में और काफी देर हो चुकी है हमें यहाँ पे आए हुए। अभी रात के 11 बजे हुए हैं क्योंकि हम गोल्ड शॉपिंग करने के बाद कुछ और भी शॉपिंग करनी थी, उसके लिए हम डे टू डे और बाकी अदर शॉप में भी गए थे। फिलहाल अंकित भाई आराम से सो रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका था, क्योंकि ये जल्दी टायर्ड हो जाता है। एनीवे अभी मैं कुछ दो रिंग्स मैं लेके आया हूँ और कुछ जो गोल्ड का सामान है वो अंकित भाई ले गया, जो कि वो तो अभी दिखा नहीं पाएगा क्योंकि इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब कर दिया तो बोले भाई यार सोने थे। एनीवे मेरी कल की फ्लाइट है तो आप देख सकते हो, मतलब पता है क्या है, 22 कैरेट में और मतलब इंडिया में कोई ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी इस चीज का बिजनेस नहीं करना था कि भाई मेरे को वहां पे जाके कुछ बेचना है, यहाँ से खरीद के मैं वहां बेच दूं, ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था। बट अगर आप ये चाहते हो आप इसमें एक काम कर सकते हो कि जो 24 कैरेट का गोल्ड का जो बिस्कुट होता है वो यहाँ से खरीद के लेके जा सकते हो। आई मीन दो तोड़ा एक, मतलब एक पर जो मेल पर्सन है उसको 20 ग्राम अलाउड होता है और जो फीमेल है उनको 40 ग्राम तक अलाउड होता है, यानी कि 4 तोड़ा। तो मेरे लिए तो मुश्किल से 10 ग्राम भी नहीं है, तो मैंने दो रिंग्स खरीदी थी और ये एक सरप्राइज होने वाला है क्योंकि ये वीडियो तो लेट जाएगी, जब तक मैं घर पे पहुंच भी जाऊंगा तो वो मम्मा के लिए मैंने अपनी माँ के लिए थोड़ी दो रिंग्स ली है और ये देख सकते हो आप कितनी ब्यूटीफुल रिंग्स है, तो देखते हैं उनको भी सरप्राइज दूंगा। कल मेरी फ्लाइट हो जाएगी और भी बाकी बहुत सारी शॉपिंग हुई है, तो कुछ जैसे कि आपने देख लिया होगा जो भी गोल्ड प्राइस था वो उसमें लिख रखा था। अभी फिलहाल करंटली क्योंकि सर्दियों का टाइम है, सीजन का टाइम है, तो गोल्ड थोड़ा महंगा था। लेकिन अगर कहीं भी आप ये सोच रहे हो ना जैसे कि यार अगर हम इंडिया और दुबई में दोनों में सेम रेट है तो हम दुबई से सोना क्यों खरीदे, दुबई से सोना खरीदने का बेनिफिट आपका ये होगा कि यहाँ पे जो दुबई की गोल्ड की प्योरिटी होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है, बहुत ही शाइनिंग होती है, बहुत ही जबरदस्त होती है। तो इसलिए दुबई से हमेशा जब भी आप आओ ना, और कुछ भी ना करो लेकिन गोल्ड शॉपिंग हमेशा करके जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारा बेनिफिट होता है और काफी अच्छा गोल्ड होता है। अगर 24 कैरेट की तरह अगर आप सोच के देखना चाह रहे हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो भाई ने भी 3-4 सोने की रिंग्स ली है और चेन्स भी ली है, तो वो भी आपको दिखा देंगे इन फ्यूचर। बाकी कल मिलते हैं आपको दुबई से दिल्ली की जो भी अपनी जर्नी होगी उसका व्लॉग भी आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप छोटा मोटा ही व्लॉग शूट कर पाया क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और रश भी बहुत ज्यादा था और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, तो इसलिए व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिल पाया। एनीवे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू रियली लव्ड इट। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर हाँ, एक बात आपको बताने में भूल गया कि जो आपका यहाँ पे वैट लगेगा, जैसे कि आप किसी भी शॉप में जाओगे तो वहां पे आपका टैक्स लिया जाएगा, वैट लिया जाएगा, जो कि आप एयरपोर्ट पे जाके क्लियर करवा सकते हो, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देख ही सकते हो। तो नेक्स्ट व्लॉग जरूर देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि एयरपोर्ट पे कैसे आप जो दुबई में गोल्ड के ऊपर वैट लगता है उसको कैसे आप वापस ले सकते हो दुबई एयरपोर्ट पे, जो कि 5% का 85% आपको मिलता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन, बट कोई ना कल सारी क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको कल सीधा दिल्ली, दुबई से दिल्ली की जर्नी में। बाय बाय।